दोस्तों स्वागत है सबको मैजिक जोन के एक नए वीडियो पे। दोस्तों आज आप सबके लिए लाया हूं एक बहुत ही औसम मैथ मैजिक मैथ ट्रिक जो आपको जान के बहुत ही अच्छा लगेगा और अगर आप लोग ये सीख जाओगे प्रॉपरली तो आप लोग किसी को भी हैरान कर सकते हो और ये सच में एक मैथ ट्रिक है। तो दोस्तों चलिए लेट ना करके शुरू करते हैं आज का ये औसम वीडियो। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का ये ऑसम वीडियो। दोस्तों आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज होने वाला है एक मैथ ट्रिक। तो दोस्तों इस मैथ ट्रिक को अगर आप लोग जानोगे तो आप लोग बिना कैलकुलेटर के बिना फोन के या फिर किसी आदमी के सहारे आप लोग अकेले अकेले सिर्फ दिमाग में ही एक सेकेंड के अंदर कोई भी मैथ कर पाओगे। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को दो तीन एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे आप भी कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो पे एकदम बने रहिए और अगर आप लोग नए हैं इस चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले अभी और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि मैं आने वाले कुछ दिनों तक ऐसे ऐसे औसम औसम वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं एक मैथ लिखूंगा, आपके पास 2 सेकेंड होगा उसका आंसर देने का। ठीक है, तो ट्राई करना 2 सेकेंड के अंदर आंसर देने के लिए। अगर ना हो पाए तो मैं हूँ, मैं आपको सिखा दूंगा कैसे आप इन फ्यूचर इस मैथ का 2 सेकेंड में आंसर दे सकते हो। ठीक है दोस्तों चलिए देखते हैं। दोस्तों 43 × 47 कितना होगा? 1, 2 सेकेंड हो गया। कर पाए? अगर नहीं तो हताश होने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूँ, मैं आपको सिखा दूंगा आज इस वीडियो पे। ठीक है दोस्तों, ये है मतलब इतना जल्दी हो जाएगा ये। चलिए दोस्तों और एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मैं कोई भी एक एग्जाम्पल दूंगा सिंपल। ये इसके लिए आपके पास है सिर्फ 3 सेकेंड दोस्तों। ठीक है, 1, 2, 3। तो दोस्तों मैं अभी इसका आंसर लिखने जा रहा हूँ दोस्तों ये। और एक इसे भी एक बड़ा मैथ आपको करके दिखाता हूँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग हैरान हो चुके होंगे। इसके पास 3 सेकेंड है आपके लिए। ठीक है, 1, 2, 3 नहीं हुआ कोई बात नहीं दोस्तों, ये आएगा आंसर दोस्तों, मिला लो इसको, ये एकदम 100% राइट है। ठीक है, तो जैसे मैंने सिर्फ 1 सेकेंड टाइम लिया इसको बताने के लिए तो आप लोग समझ होंगे कि भाई आपने वीडियो बनाने के लिए शायद इसको पहले से याद रखा था। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा अगर आपको ये ट्रिक बता दूंगा अभी, अब तो मैं बताऊंगा ही आप लोगों को ये ट्रिक, तो आप भी इजीली कर पाओगे, स्कूल में कोचिंग में किसी को भी दिखा के हैरान कर सकोगे। ठीक है, और नौकरी के एग्जाम में भी ऐसे ऐसे सवाल आते हैं जिसको आपको आंसर देने के लिए मतलब कुछ ही सेकेंड होता है, तो अब तब आप क्या करोगे, कैलकुलेटर यूज़ करोगे या फिर और कुछ? तो अगर आप लोग ये ट्रिक जानोगे तो आपका वक्त बच जाएगा और आप फेमस भी हो जाओगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और जानते हैं इसका सीक्रेट दोस्तों। ठीक है, 3 एग्जाम्पल है, मैं इस एग्जाम्पल को देख के ही आपको सिखाऊंगा। 43 × 47 दोस्तों इसका आंसर क्या है, कैसे निकलेगा? दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इधर दो दो नंबर है, तो इस दो नंबर में से इसको इसमें ही छुपा है इस आंसर का राज। ठीक है, पहले ये जो देख रहे हैं 4, ठीक है, आपको 4 के बाद का जो नंबर है वो इधर सोचना पड़ेगा, जो है इधर 5। ठीक है, लिखना नहीं है, सोचना है दिमाग में 5 और इसके पहले को ऐड कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। 4 × 5 = 20 और इस सिर्फ इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना 21। ठीक है, और एक एग्जाम्पल 56 × 54 दोस्तों 5 के बाद आ जाए 6, मतलब इसका 6 × 5। ठीक है, 6 × 5 34 × 6 = 24 और एक आपको कुछ अलग से एग्जाम्पल दूंगा जिससे आपको ये तकलीफ नहीं होगा। दोस्तों अब इधर है 7 के बाद 8 होगा, 7 × 8 = 56 और अब आएगा इस दो नंबर, अगर ऐसे आए मतलब 9 × 1 = 9 होता है, लेकिन दोस्तों आप लोग देख सकते हो इधर इतना बड़ा आंसर आया, क्या इधर इतना छोटा आंसर आएगा? नहीं ना। तो तब अगर सिंगल डिजिट का आंसर आए इस दो लास्ट को मल्टीप्लाई करने तो 1 0 बैठ जाएगा और ये होगा 9। ठीक है दोस्तों, तो ये था सीक्रेट। अब इसका 2-3 कंडीशन है दोस्तों, ये है कि ये जो दो नंबर पहले जो नंबर है इन दोनों को आपको एक ही रखना है। ठीक है, तो मैं और एक आपको बड़ा एग्जांपल दूंगा, 102 × 108। ठीक है, अब इसको करते हैं दोस्तों, ये आप लोग देख सकते हो इसका एग्जांपल। अब इसका एग्जांपल क्या किया था, 10 के बाद है 11, 11 × 10
होगा 110 और 80 to 2 16। तो दोस्तों मैं लगभग जितना हो सके आपको समझा दिया इसको। तो इसका कंडीशन क्या है दोस्तों इस मैथ को करने का, इसका कंडीशन तभी ये लॉ अप्लाई होगा जब पहला दो नंबर एक ही होगा, एक ही डिजिट होगा, जैसे इधर 2 4 2 5 2 7 ऐसा है, और उसके बाद का जो नंबर है इसको ऐड करने के वक्त 10 आएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब देखिए आप 3 + 7 10, 6 + 4 10, 1 + 9 10, ऐसे ही 2 + 8 10। तो ये है इस मैथ का दो आपको कंडीशन। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारा कॉम्बिनेशन, बहुत सारा कंडीशन, बिना इतना कंडीशन के अलावा भी मैथ है, मैं उसको आगे भी आपको सिखाऊंगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और कर दो किसी दोस्त के साथ शेयर जिसको इसको ज़रूरत है। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पे कोई अच्छे मैथ मैजिक या फिर कुछ और मैजिक के साथ। तब तक बने रहिए मैजिक जोन पे और ऐसे ही मैजिक का मजा लेते रहिए।